वेलकम बैक क्लास। अब बेटा नाइन्थ सम के अंदर चलते हैं। एज आई हैड स्टेटेड अर्लियर, आपके टेक्सटबुक में सिर्फ एट ही सम्स हैं। दैट इज फ्रॉम द नाइन्थ सम ऑनवर्ड्स वी आर प्रैक्टिसिंग सर्टेन एक्स्ट्रा सम्स जो हमारे लिए एडिशनल प्रैक्टिस के रूप में देखा जाएगा। ओके, सो फ्रॉम नाइन्थ सम टिल व्हाटएवर द सम एंड जो भी नंबर होगा बच्चे वहां तक ये सब कुछ रिवीजन है, बट आपको वैसे ही सॉल्व करना है। टेक अ न्यू पेज, डिवाइड द पेज इन टू इक्वल पार्ट्स, दैट इज वर्टिकली डिस्टिंग्विश्ड जैसा, पहले लेफ्ट हैंड पे लिखना है एंड देन कम ऑन द राइट हैंड पार्ट। क्लियर? सो की अब बेटा ऐसा क्वेश्चन हम बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं, सो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। डायरेक्टली हम क्या करेंगे, जो टर्म्स हैं यानी जिनके साथ x है दैट इज 3x एंड 2x, इनको इक्वल टू के एक तरफ ले जाएंगे और जो नंबर बच गया है उस नंबर को हम इक्वल टू के दूसरी तरफ ले आएंगे। ओके, सो नाउ आफ्टर राइटिंग दिस क्वेश्चन योर नेक्स्ट स्टेप विल बी 3x ब्रॉट डाउन। अब 3x का बेटा पार्टनर जोड़ीदार कौन है, तो उसका जोड़ीदार है पॉजिटिव 2x। आई एम रिपीटिंग, ये सिर्फ 2x नहीं है, आप इसको कैसे रीड करोगे, पॉजिटिव 2x। क्लियर? सो पॉजिटिव 2x राइट में से लेफ्ट जा रहा है, राइट का अपोजिट लेफ्ट, सो पॉजिटिव विल बिकम नेगेटिव 2x इक्वल टू साइन ब्रॉट डाउन 2x, तो यहां आ गया, तो इक्वल टू के इस तरफ कौन बच गया, नेगेटिव 4, सो यू विल राइट नेगेटिव 4। नेगेटिव 4 बेटा एक नंबर है और हमारे पास एक और नंबर है एंड दैट नंबर इज पॉजिटिव 12। लेफ्ट में से पॉजिटिव 12 राइट में आ जाएगा, फ्रॉम लेफ्ट इट विल कम टू राइट, तो ये बन जाएगा पॉजिटिव 12 से नेगेटिव 12। करेक्ट? एंड देन बेटा सॉल्व करते हैं। आपके पास थे 3x, हाउ मेनी 3, उसमें से 2x ले लिया गया, तो 3x में से अगर 2x निकाल देंगे तो कितना बचेगा 1x। करेक्ट? और आपको याद होना चाहिए बेटा हम कभी भी 1 एज अ कोएफिशिएंट नहीं लिखते, 1x का मतलब होता है ओनली x, खाली x। ओके, सो आप यहां पर लिखोगे ओनली x, कोई भी यहां पर 1 नहीं लगाएगा, दिस इज रॉन्ग, बिकॉज 1 जब होता है ना हमारा कोएफिशिएंट तो वो कभी भी नहीं लिखा जाता, इसीलिए हम लोग मैथ्स में क्या कहते थे, वेयर देयर इज नथिंग देयर इज 1। करेक्ट? सो आंसर इज x। और फिर बेटा व्हेन बोथ द नंबर्स आर नेगेटिव पुट माइनस साइन, तो इक्वल टू का साइन लगाएंगे, पुट माइनस साइन एंड ऑलवेज एड द नंबर, 4 प्लस 12 विल बिकम 16 एंड नेगेटिव नंबर्स आर ऑलवेज इन ब्रैकेट्स, तो आपका करेक्ट सॉल्यूशन है x इज इक्वल्स टू नेगेटिव 16 इज the solution for the given equation। ठीक? अब आप में से बहुत से बच्चों का जो सम है ना बेटा ये लेफ्ट हैंड साइड में ही आ जाएगा, तो आपका राइट साइड ब्लैंक जाना है ना, उसे ब्लैंक जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप फिर से नया पेज लोगे एंड ऑन द न्यू पेज यू आर गोइंग टू सॉल्व योर 10th इक्वेशन सम। क्लियर?